कमाल है, कमाल है। हमारी बीमारी के बारे में जानने के बाद भी हमारा एक भी दरबारी लौट कर नहीं आया है। किसी को फिक्र ही नहीं है हमारी। सारे के सारे नामाकूल हैं, नामाकूल गधे हैं, गधे। बीरबल, वो शहजादे सलीम तो लौट के नहीं आ रहे हैं ना? ओ, जाओ मैं ना। आइए। सलीम के बारे में पूछ रहे थे ना? वो बेचारा तो 4 महीने से दौरे पर है। सलीम अपने आप को साबित करने गया है, अकल पाने गया है। वो एक बहुत ही महान जादूगर ने सलीम से कहा कि अकल पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हिमालय पर्वत पे जाओ, वहां एक सफेद भैंस काला अंडा देगी, वो लेकर आओ। उस काले अंडे में अकल छुपी है। छोड़िए, सलीम की है। वो जादूगर अकल को सलीम के सर में डाल देगा। रानी साहिबा, यानी कि शहजादे सलीम हिमालय पर्वत पर गए हुए हैं अकल पाने के लिए एक सफेद भैंस का काला अंडा ढूंढ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बुद्धिमान वासु जी शहजादे सलीम के साथ ही होंगे। हाँ बीरबल, अरे वासु नहीं तो उस जादूगर से सलीम को मिलवाया था। हमें भी कुछ ऐसे ही लगा। जहां पर यलगार हो, मारम्मार हो। शाही खून है हम। हाँ, हमारा सलीम आ गया। कहाँ है वो कमजोर इंसान? अब बहुजूर कहाँ है वो? अब बहुजूर, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ है वो मर्दूत इंसान जो हमारे अब्बा हुजूर पर हमला कर रहा है? उससे पहले उसे हमारी फौलादी लाश पर से गुजरना होगा। शाही खून है हम। शहजादे सलीम, आप किसे ढूंढ रहे हैं? उस हैजे के बच्चे को। हैजा? हाँ बहुजूर, हमें खबर मिली है किसी हैजा खान ने आप पर हमला कर दिया है, लेकिन हम भी उसको धूल चटवा कर रहेंगे। नामाकूल हैजा कोई इंसान नहीं है, हैजा एक बीमारी है जो हमें। अब्बा हुजूर, आप बीमार हैं लेकिन लगते तो नहीं है। अब नहीं है। नहीं है? ओह अब्बा हुजूर, हम इतनी दूर हिमालय से वापस चल के आए जबकि उस सफेद भैंस का काला अंडा हमारे हाथ में आने ही वाला था। शहजादे सलीम, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अव्वल तो भैंस सफेद होती नहीं, बीरबल, और भैंस अंडा नहीं देती। नहीं 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 बीरबल, यहाँ आप गलत हैं, दे सकती है। देखिए ना, ये रानी साहिबा ने दिया ना ये काला अंडा। क्या? जहाँ बना आपने हमें सफेद भैंस का? सफेद भैंस का? रानी साहिबा, सफेद भैंस में से भैंस को फेंक दीजिए, आप सिर्फ सफेद पर ध्यान दीजिए। झापना ने तो आपको सफेद कहा, गोरी गोरी कहा, सुंदर कहा। ये छोरी गोरी गोरी। ए, सलीम को काला अंडा क्यों कहा? सलीम थोड़ी ना काला है। क्यों कहा? अरे छोड़िए ना रानी साहिबा इन बातों को। सुनो बेटा, नामाकूल। जी अब्बा हुजूर, आपको कभी अकल नहीं आ सकती, ना आज ना अकल। अकल नहीं फूफू। वासु, अरे वासु आ गया, हमारा वासु। वासु आ गया, वासु आ रहे दले मैदान। आप भी उल्लू की बातों में आ गए और हिमालय पर सफेद भैंस का काला अंडा ढूंढने लगे। नहीं 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 बुबू, मैं उल्लू नहीं बना, मैं सलीम भाई सा थोड़ी हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि सफेद भैंस कभी काला अंडा दे ही नहीं सकती है। वाह वासुदेव जी वाह,
पहली बार आपने दिमाग की बात की है। हाँ, क्योंकि सफेद भैंस हमेशा सफेदी अंडा देती है। ये देखो ये सौदागर से 10 लाख अच्छा रुपया देकर खरीदा है मैंने। अंडा लाइए दिखाइए। क्या हम जान सकते हैं कि ये क्या है? जापना, ये तो मुर्गबी का अंडा है। मुर्गबी कौन है? रानी साहिबा। वो उसे शुतुरमुर्ग कहते हैं ना जापना। शुतुरमुर्ग। क्या? अरे तभी मैं सोचूं कि वो भैंस दो पैरों पे क्यों भाग रही थी। लंगड़ी थी बेचारी और उसके दो पर भी थे। हाँ दिमाग। अगर हमने थोड़ा सा और वक्त यहाँ पर इन दोनों के साथ बिताया तो हम सच में बीमार पड़ जाएंगे। उससे तो अच्छा है कि हम इन दोनों को। आप हमारे साथ चलिए। क्या है कि पिछले 6 महीनों में राज्य में जो कुछ भी हुआ है उसकी जानकारी जापाना को देनी। हाँ दीजिए, हमें जिस चीज की जानकारी देनी है दीजिए, लेकिन इन दोनों से दूर ले जाइए। दीजिए जानकारी हमें, वरना इनको तो क्या कर रहे। ये देखिए जापाना, आपके ईरान जाने के बाद यमुना नदी पर जो बांध बनाने का काम शुरू किया था उसमें अब तक कुल मिलाकर 17,50,000 अशरफिया खर्च हुई। क्या आज अपना कुछ ज्यादा हो गया? आप उदास क्यों हैं? आपका सारा परिवार तो यहाँ है। रानी साहिबा और शहजादे सलीम सभी तो आ गए। वो सब तो आ गए बीरबल, लेकिन वो नहीं आया। वो? ओह, मित्र तानसेन। तो बलदेव जी? थरोड़ी मल? मानसिंह? अरे बीरबल। तो फिर वो कौन? राजा दरबान बीरबल, राजा दरबान। राजा दरबान हमारा खासम खास, हमारे तक के बगल में भाला लेकर खड़े रहने वाला राजा दरबान। राजा दरबान हमारे दिल के अरमान। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। कहाँ रह गया? कब आएगा राजा दरबार? कब 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 कब? चाओ माओ, चाओ माओ, गिली 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 गिली। चलो बच्चों, क्या कर रहे हो? अंडे का हलवा तैयार है, चलो चलो। बनो 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 बनो, बर्बाद हो गए, लूट गए। बर्बाद हो गया। अरे वासु, तुझे क्या हो गया? अरे सलीम भाई साहब, अगर पिताजी का कुछ नुकसान हुआ है तो मेरा भी कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा ना। रुको, भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब बहना अब खुद विधवा होकर हमसे पूछ रहे कि क्या हुआ? जापना नहीं रहे, जीजा सा नहीं रहे। ये खबर सुनते ही हम आमेर से दौड़े भागे चले आए एक टंग पर। नहीं नहीं, आपके जो जीजा साहब हैं। बहना, होनी को कोई नहीं टा सकता। बहना, हम जल्दी से शहजादे सलीम को बादशाह बना देते हैं। अरे मामूजान, लेकिन अब्बा हुजूर तो जिंदा है। नहीं रहे। बलदेव, यही मौका है बहना, यही मौका है उस कांटे बीरबल को निकाल फेंकने का। जब तक बादशाह थे बीरबल का कोई बाल बाका नहीं कर सकता था, लेकिन आप हम जो चाहेंगे वही होगा। क्यों बहना? बस एक मुश्किल है बलदेव जी। बीरबल जी, आप यहाँ कैसे? सिर्फ बीरबल ही नहीं, अकबर बीरबल। जहाँ जापना जिंदा है, मतलब वो खबर झूठी थी। अलबेला रतन आयर, अलबेला रतन आयर। जापना की जय हो। ये लीजिए, मित्र तानसेन भी आ गए। जापना, हमें आपको यहाँ ठीक देखकर कोई बेचैनी नहीं, क्योंकि हमने तो यहीं से ही हैजा भागा, हैजा भागा, हैजा भागा राग गाया, जो आपको वहां ईरान में जाके लगा और आप
ठीक हो गए देखिए जापना सारा परिवार फिर एक साथ कितना अच्छा लग रहा है।